नमस्कार, मैं हर्ष तिवारी, अभय न्यूज के 19 नवंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना बाबा महाकाल की भस्म आरती देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने नंदीगृह में बैठकर करीब 2 घंटे तक भस्म आरती दर्शन का आनंद उठाया। इस दौरान पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया भी उनकी तरफ से पूरी करवाई गई। पुजारी आशीष गुरु ने उन्हें भस्म आरती की महत्ता बताई, साथ ही उन्होंने नंदी के दोनों सिंह पर अंगूठा और कनिष्ठिका उंगली रखकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूर्ण दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम पुजारी से भी मुलाकात की। महाकाल दर्शन के बाद CJI ने रामघाट पर दीप दान करने की इच्छा जाहिर की। वह रामघाट गए और कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा में दीप दान किया। बागपुरा में 5 दिन पहले शराब पार्टी के दौरान हुई चाकूबाजी में बुरी तरह घायल लक्की ठाकुर की इंदौर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। लक्की पर राहुल सिसोदिया, सौरभ सिसोदिया, अक्षय वाड़िया, जॉय बामनिया, अभिषेक पाटीदार और देवराज बना ने हमला बोला था। लक्की ठाकुर ने 1 साल पहले लक्की वाल्मीकि की हत्या की थी। इस आरोप में हाल ही में वह जमानत पर बाहर आया था। घटना वाले दिन वह अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था, इसी दौरान उसे घेर कर हमला बोला गया। बुरी तरह घायल लक्की का उपचार इंदौर के अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। शव PM के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उसका अंतिम संस्कार सांवेर में होगा, यहाँ उसका ननिहाल था। फिलहाल इस मामले के आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कोविड प्रोटोकॉल से मुक्त कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा के घाटों पर शुक्रवार को काफी भीड़ रही। अल सुबह से शुरू हुआ स्नान, दीपदान और दान का सिलसिला दिन में भी जारी रहा। यूं तो करीब करीब सभी घाटों पर भीड़ थी, लेकिन सबसे ज्यादा रश रामघाट पर था। यहां पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की नजर आई। सुबह से दीपदान का सिलसिला शुरू हुआ और दान का भी। युवतियों में पूर्णिमा को लेकर काफी उत्साह देखा गया। ऐसी ही एक श्रद्धालु शिवानी ने बताया कि साल में एक बार आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कर दीपदान किया। दीपदान का यह सिलसिला शाम तक जारी रहने वाला है। शाम को हजारों दीप शिप्रा में प्रवाहित होंगे। साल में एक बार आती है यहाँ पे, दीपक का स्नान, यहाँ स्नान करते हैं और दीपक का दान करते हैं, और अपनी बहुत से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और दीपक दान करने से, स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। सभी नदी में तिल भर बड़ी नदी, आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल से ही यहाँ पे करीब 50,000 जनता ने स्नान कर लिया है, और यहाँ दीपदान का विशेष महत्व है। 1 महीने का माँ शिप्रा में स्नान चलता है, और जो भी आज दीपदान करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती। विशेष करके जो भी कुमारी कन्या है जो यहाँ पे माता जी के यहाँ 21 दीपक या 51 दीपक या 101 दीपक लगा के माता जी में छोड़ती हो तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिप्रा माता का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ काल में भी जनता दर्शन कर रही है, बाबा से आशीर्वाद कर रही है कि विश्व का कल्याण हो और सभी का मंगल हो। जो 2 साल से कोरोना काल में जनता नहीं आ पाई थी, आज आई और माँ शिप्रा महाकाल से आशीर्वाद ली। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के बाद शहर में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। श्रद्धालुओं को उज्जैन में रोकने के लिए योजना में कई काम कराए जा रहे हैं। इसके मुताबिक रुद्र सागर में हर वक्त साफ पानी उपलब्ध रहेगा। सीवर लाइन को अलग किया जाएगा। रुद्र सागर पर ही लेजर एवं लाइट एंड साउंड शो होगा। ये जानकारी शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने दिवाली मिलन समारोह के लिए मीडिया को बुलाया था। सिंह ने बताया कि मन्नत गार्डन के पास नई पार्किंग बनाई जाएगी। यहां 1,000 गाड़ियों के पार्क करने की व्यवस्था रहेगी। रुद्र सागर की सीवर लाइन को डायवर्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। आप सभी के प्यार और विश्वास ने आज अभय न्यूज को उज्जैन का टॉप न्यूज चैनल बना दिया है। अभय न्यूज हमेशा से एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ता आया है। जहां एक तरफ उज्जैन में सभी मीडिया समूह अपनी पुरानी रूपरेखा के अंदर ही चलना पसंद करते थे, वहीं अभय न्यूज ने आप तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना, जिससे आप कहीं भी हो बस एक क्लिक में उज्जैन की सारी खबरें आपके सामने, वह भी बिना किसी लाग लपेट के एकदम सटीक। इस बीच हम उन दर्शकों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग और सहयोग कर हमें यहां तक पहुंचाया है। ऐसे ही हमारे दर्शक हैं संजय नगर निवासी विकास पांचाल जी, जो पेशे से फर्नीचर डिजाइनर हैं। अभय न्यूज की टीम ने आज उनके घर पर जाकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। अभय न्यूज को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं विकास पांचाल जी के यहाँ, जो हमारे टॉप फैन रहे हैं
जो हमारी न्यूज़ को हमेशा लाइक और शेयर करते हुए आए हैं। इसी तरह हम आपके भी घर एक दिन आएंगे अगर आप हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करते हैं। आज विकास जी से जानते हैं कि हमारी न्यूज़ में ऐसा क्या लगता है और क्यों देखते हैं उसे। आइए विकास जी से बात करते हैं। विकास जी, अभय न्यूज़ के बारे में बताएं। अभय न्यूज एक बहुत बढ़िया न्यूज है जो कि मतलब हमें पूरे शहर की क्या पूरे उज्जैन संभाग की गतिविधियों को डेली पता पड़ जाता है कि उज्जैन संभाग में क्या हो रहा है। मतलब इंदौर रतलाम हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, मतलब संभागी समझ लो उज्जैन, मतलब टोटल न्यूज का पता पड़ जाता है अपन को। और बेस्ट न्यूज है, डेली अपन को टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की खबर पता पड़ जाती है। दोपहर में अलग पड़ती है, नाइट में अलग पता पड़ जाती है। मतलब टोटल बेस्ट न्यूज है, अब बेस्ट वर्किंग इनकी बहुत बढ़िया। अभय न्यूज, धन्यवाद अभय न्यूज। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी, 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 888-920-3040, 9827-500-484। हमारा पता 13 नागझिरी सेफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। आईपीएस से आईएएस बने निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की सख्ती से निगम के अधिकारी घबराए हुए हैं। ऐसे में कई अफसर छुट्टी पर चले गए हैं तो कुछ बीमार हो गए हैं। दरअसल गुप्ता काम के मामले में बहुत सख्त है। उनका सबसे ज्यादा जोर इस वक्त राजस्व बढ़ाने पर है। संपत्ति कर, जल कर और बाजार वसूली का निगम का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब चल रहा है, खासकर बाजार वसूली का। बाजार वसूली से निगम को गुप्ता के आने के पहले तक केवल 40,000 रुपए ही मिल रहे थे। सख्ती के बाद अब यह आंकड़ा 50,000 रुपए रोज हो गया है। हालांकि कमाई 10,000 रुपए रोज बढ़ने के बाद कई अफसर शक के दायरे में भी हैं। कमाई पर ज्यादा फोकस होने के कारण रेवेन्यू का काम देख रहे एक सहायक आयुक्त छुट्टी में चले गए हैं। इसी तरह भवन निर्माण शाखा से जुड़े एक इंजीनियर ने भी लंबा अवकाश ले लिया है। इधर राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए कमिश्नर ने अफसरों के प्रभार में भी परिवर्तन कर दिया है। पीयूष भार्गव को अब जोन 1 का चार्ज दिया है, जबकि प्रभारी कार्यपालन यंत्री अनिल जैन को जोन 5 में भेजा है। इसी तरह सहायक यंत्री अभिलाषा चौरसिया को जोन 6 का प्रभारी और सहायक यंत्री साहिल मेदावाल को जोन 2 और 3 का प्रभार दिया है। गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में गुरुवार शाम हुई बारिश और इंदौर के यशवंत सागर के गेट खोलने से गंभीर में करीब 26 एमसीएफटी पानी बढ़ गया। हालांकि इसके बाद आवक बंद हो गई। गंभीर डैम के अशोक शुक्ला ने बताया, यशवंत सागर के गुरुवार को करीब 2.5 घंटे गेट खोले गए थे, जिससे गंभीर में पानी की आवक हुई। करीब 6 घंटे बाद पानी डैम पहुंचा। अब शहर के उजाड़ पड़े बगीचों को संवारने का जिम्मा शहरवासी उठा सकेंगे। दरअसल देखरेख नहीं होने से उजाड़ हो रहे बगीचों को संवारने के लिए नगर निगम नई योजना की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत बगीचों को देखरेख और उसे संवारने का जिम्मा शहरवासियों को दिया जाएगा। शहरवासी बगीचों को गोद लेकर उसका नामकरण अपने प्रियजनों के नाम पर भी कर सकेंगे। फिलहाल योजना को धरातल पर लाने के लिए नगर निगम ने 3 तरह की समितियों का गठन करने का प्रस्ताव बनाया है। अगर सब कुछ सही रहा और शहरवासियों ने भी इसमें रुचि दिखाई तो तेजी से उजड़ रहे उद्यान सवर जाएंगे एवं निगम को भी मदद मिलेगी। शहरवासियों को सौंपने से पूर्व बगीचे का निर्माण, मोटर संधारण, पौधारोपण, कुर्सियां आदि निगम द्वारा लगाकर दिया जाएगा। इसके बाद कॉलोनी या मोहल्ला समिति को इसकी देखभाल करना होगी। बगीचों में लगने वाली लाइटों का बिजली बिल भी निगम द्वारा वहन किया जाएगा। संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन की हेमंत काबरा स्मृति 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्पर्धा के सेमीफाइनल में शिप्रा क्रिकेट अकादमी की टीम पहुंच गई है। शिप्रा क्रिकेट अकादमी ने मिक्स 11 को हराया। पहले खेलते हुए शिप्रा अकादमी ने 127 रन बनाए। इसमें मिक्स 11 ने रनों का पीछा शुरू किया, लेकिन पूरी टीम 115 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन सचिव सुरेंद्र काबरा, पूर्व खिलाड़ी कपिल प्रताप सिंह, आदित्य सुगंधी ने किया। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।